अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर राहिला, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट एंड स्पेशल एजुकेटर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा प्रीवियस की जो टॉपिक है उसकी कंटिन्यूएशन में है। जो हमारा टॉपिक है वो है साउंड एरर इन चिल्ड्रन। मैनेजमेंट पे बात नहीं हुई थी लास्ट टाइम, तो आज इसका ये सेकेंड पार्ट है। आज हम जो है मैनेजमेंट पे बात करेंगे, असेसमेंट को डिस्कस करेंगे, जो साउंड एरर होते हैं उसको कैसे जो है असेस किया जाता है, और देन उसकी थेरेपी कैसे होती है। तो अगर थोड़ा सा हम रिकॉल करें अपना प्रीवियस जो टॉपिक था, उसमें मैंने फोनोलॉजिकल एरर एंड आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया था कि हमारा जो फोर टाइप्स ऑफ आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि बच्चा एक साउंड की जगह दूसरे साउंड यानी हरूफ, एक हरूफ के जब बजाय दूसरे हरूफ का इस्तेमाल करता है अल्फाज में। और जो दूसरा टाइप है वो है ओमेशन। ओमेशन में बच्चा जो है एक हरूफ को जो है अल्फाज में से डिलीट कर देता है। जो थर्ड टाइप है वो है एडिशन। एडिशन का मतलब ये है कि बच्चा जो है कोई एक्स्ट्रा साउंड जो है वो अल्फाज में यानी कि वर्ड लेवल पे जो है वो ऐड कर देता है। जो फोर्थ टाइप है वो है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब ये है कि बच्चा लफ्ज़ को इतनी ख़राबी के साथ बोलता है कि ना वो सब्स्टिट्यूशन में आता है, ना वो ओमेशन में आता है, और ना ही वो एडिशन में आता है। जब ये थ्री टाइप्स बच्चे में जो है आइडेंटिफाई ना हो सके, तो इट्स मीन कि बच्चा जो है लफ्ज़ की अदायगी इस तरह कर रहा है कि इन तीनों में से कोई भी जो है वो टाइप नज़र नहीं आ रही, तो वो डिस्टॉर्टेड कहलाता है। तो आज हमने जो है असेसमेंट में ये फोर टाइप जो है वो देखना है कि फोनोलॉजिकल लेवल पे या आर्टिकुलेशन लेवल पे बच्चा जब ये एरर करता है तो हम इसको कैसे जो है वो असेस करते हैं। तो असेसमेंट के लिए ज़रूरी है कि पहले बच्चे का जो है ना फिज़िकली जो है असेसमेंट हो। फिज़िकल से मुराद ये है कि जो ओरल फेशियल यानी कि जो हमारा स्पीच मैकेनिज्म होता है, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो आर्टिकुलेटर हैं, जैसे लिप्स है, टीथ है, टंग है, हमारी ये चीक्स हैं, ये पैलेट है, यूवेला है, ये हमारे सब आर्टिकुलेटर कहलाते हैं। अगर हम इन आर्टिकुलेटर को जो है चेक करें, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसमें कोई डिसऑर्डर आ रहा है, तो इसको हमने देखना है। ये ओरल मोटर एग्जामिनेशन कहलाता है। फिर उसके बाद जो है हमने साउंड्स को देखना है, यानी कि फोनोलॉजी को देखना है कि फोनोलॉजी में बच्चा कौन कौन से एरर कर रहा है, यानी हमने वो साउंड नोट करना है जो कि बच्चा जो है शुरू के लफ्ज़ में, दरमियान के लफ्ज़ में और आखिर के लफ्ज़ में अदा करता है। तो सबसे पहले हमने ओरल मोटर एग्जामिनेशन करना है कि ओरल मोटर एग्जामिनेशन होता किस तरह है। तो इसलिए मैं आपको एक बच्चे से जो है वो कराती हूँ, डेमोंस्ट्रेट कराती हूँ, ताकि जो है जो जो बच्चों के प्रॉब्लम्स है, जो पेरेंट्स जो है ये वीडियो आगे चल के देखेंगे, तो उनके लिए ईजी हो जाएगा कि अपने बच्चे के जो है जो मोटर वो है, जो हरकती अमल है, उसको कैसे चेक किया जाए, कैसे बच्चे का स्पीच मैकेनिज्म जो है वो देखा जाए, और कहाँ कहाँ पे बच्चे के जो है मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि इन आर्टिकुलेटर में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो मेरे पास जो है ना ये बच्चा है, ठीक है, इसको मैं कुछ कमांड्स दूंगी और ये जो है आपको परफॉर्म करके दिखाएगा कि किस तरह जो है नॉर्मल आर्टिकुलेटर की फंक्शनिंग होती कैसे है। ठीक है, ज़बान निकालिए शामिर, ज़बान निकालिए, पूरी निकालिए ज़बान, ज़बान इधर लगाइए, इधर लगाइए ज़बान, इधर लगाइए, ऊपर लगाइए। ठीक है, अब ज़बान को इधर चीक्स के अंदर लगाओ, चीक्स के अंदर, हाँ लगाओ, यहाँ पे ऐसे देखें, मेरी तरफ देखो, ऐसे लगाओ, मुंह बंद करो, आप मुंह बंद करिए, हाँ अब ज़बान इधर लेके आओ, करिए करिए, ज़बान लेके आइए शामिल, इस तरफ। ठीक है,
लिप्स को क्लोज करो, मुंह बंद करो अपने लिप्स, ठीक है। मुंह में हवा जमा करें, मुंह में हवा भरो, ऐसे इधर देखिए मेरी तरफ, ठीक है। चीक्स में हवा भरना, ठीक है। टंग के मूवमेंट को हमने देखा कि जबान जो है सीधी निकालना, जबान को जो है राइट पे, लेफ्ट पे, अपर डाउन लेवल पे, ये टंग के सारे फंक्शन को हमने चेक करना है, ठीक है। अगर बच्चे के जो है जो प्रेशर है वो कम होगा या टंग की मूवमेंट जो है उसमें कोई प्रॉब्लम होगा, टंग जो है वो सही तरह से मूव नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब है कि आर्टिकुलेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। तो साउंड एरर से पहले हमने ये देखना है कि जो बच्चा साउंड एरर कर रहा है उसकी वजह क्या है। क्या ऐसे तो नहीं है कि बच्चा जो है उसकी मसल वीकनेसेस आ रहे हैं या जो टंग की मूवमेंट वगैरह ना होने की वजह से वो सही तरह अपनी ज़बान का इस्तेमाल नहीं कर रहा, चीक्स में जो है हवा भर के रखना, वो स्ट्रेंथनेस जो है वो नहीं आ रही। तो ये सब चीज़ें हमने बच्चे की जो है नोट करना है, ठीक है। अब हम ये देखना है कि ये ब्लो कितना करता है। इसको बजाइए, फ्लूट को बजाइए जोर से, जोर से, चलिए। देखिए जब ये ब्लो कर रहा है तो इसके चीक्स जो है वो क्या हो रहे हैं, वो फूल रहे हैं। दोबारा करिए, दोबारा करें, हाँ, ठीक है। तो ये हमने जो है आर्टिकुलेटर को चेक करना था कि हम जो है आर्टिकुलेटर को यानी ओरल मोटर, बस आर्टिकुलेटर की जो फंक्शनिंग है वो चेक करना है कि बच्चा जो है उसकी आर्टिकुलेटर की फंक्शनिंग कैसे हो रही है। मतलब कि नॉर्मल उसकी फंक्शनिंग हो रही है, ऐसा तो नहीं कोई एबनॉर्मलिटी है। तो एबनॉर्मलिटी को चेक करने के लिए हमने जो है चीक्स को चेक किया कि इसने जो ना चीक जब वो हवा भरी तो इसकी चीक जो ना वो फूल गए, तो इसका मतलब है कि चीक्स की मसल की स्ट्रेंथनेस मौजूद है, ठीक है। फिर हमने इसको लिप्स क्लोज करवाया तो दोनों लिप्स टुगेदर हुए, दोनों लिप्स क्लोज हुए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लिप्स की फंक्शनिंग भी जो है उसके सही तरह से वर्क कर रहा है। देन हम टंग को देखा, टंग उसने स्ट्रेट बाहर निकाली, राइट पे किया, लेफ्ट पे किया, अप किया, डाउन किया। तो ये टंग की मूवमेंट को हमने जो है चेक करवाया कि क्या टंग की मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। प्लस जो है ना अब हम ये देखेंगे कि जो है टंग की जो है शेप निकालिए, जबान निकालिए, ठीक है। जबान की नोक यानी टिप को हमने देखना है कि जबान की टिप जो है वो बन रही है या नहीं बन रही, ठीक है। क्योंकि इनका बचपन है टंग टाई था, ठीक है, तो इनकी काफ़ी जो है टंग पे की काफ़ी एक्सरसाइज वगैरह हुई है, तब जाके इनकी जो है ये टिप जो है ये बननी शुरू हुई है। और इसके मूवमेंट पे भी काम किया है। जिन बच्चों का टंग टाई होता है वो अपनी जबान को ऊपर लेके नहीं जा सकते हैं। जैसे आप देखिए जबान ऊपर लेके जाइए, यहाँ पे लगाइए, देखिए ये बच्चा जबान ऊपर लेके जा रहा है। स्ट्रेट लगाइए, बिल्कुल सीधी रखिए जबान को, मुँह खोलिए, पूरा मुँह खोलें, आ करिए, पूरा मुँह खोलिए, आ इधर आ, जबान लेके आइए, यहाँ पे लेके आइए, हाँ, ठीक है। जो है ना टंग जो है जब ये अपने टिप को टिप ऊपर जो है उससे एल्वे उस पर टच हो रही है, जो गम है इस पर टच हो रही है, ठीक है। अगर बच्चे जो है ये जो आर्टिकुलेटर है उनकी फंक्शनिंग अगर बेहतर नहीं होती तो इट्स मीन कि फिर आगे चल के इनका साउंड एरर होगा, ठीक है। अगर साउंड एरर होगा, अगर इनका कोई प्रॉब्लम आ रहा है, स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ रहा है, यानी टंग ऊपर नहीं उठ रही, टंग को साइड बाय साइड अप डाउन उसकी इस फंक्शनिंग में अगर प्रॉब्लम होती है तो इसका मतलब ये है कि आर्टिकुलेटर की फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं हो रही, उसमें डिसफंक्शन आ गया है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है बच्चा सफाई के साथ लफ्ज़ों की अदायगी नहीं कर रहा है। तो ये था ओरल मोटर जो है एग्जामिनेशन था। इसके अलावा हम बच्चे की च्युइंग को भी जो है चेक करते हैं कि बच्चा खाना कैसे चबाता है। मतलब एक जो एज वाइज बच्चे के खाने चबाने की जो सलाहियत होती है वो टाइम के साथ साथ बढ़ती है। जैसे लास्ट वाले सेशन में मैंने आपको वो सारे एजेस बताई थी कि किस एज में बच्चा जो है कब से पानी शुरू करता है, जबान जो है किस एज में निकालना शुरू करता है, ब्लो कब करना शुरू करता है, सकिंग आ जाता है, ये सारे मसल्स की जो है वो डेवलपमेंट होती है कि एज के साथ साथ बच्चे के मसल जो है वो डेवलप होते हैं। जिन बच्चों में
मसल्स वीकनेसेस आ जाती हैं, उनमें आर्टिकुलेशन का प्रॉब्लम आ जाता है। अगर जैसे अब इस बच्चे का है कि इसमें जो है आर्टिकुलेटर के कोई प्रॉब्लम्स जो है वो नज़र नहीं आ रही, ठीक है, इनके जो है जो माउथ है यानी क्लोज है, ठीक है, बंद करें, अपने मुंह बंद करिए, मुंह को बंद कर सकता है, खोल सकता है, जैसे अभी आपने देखा कि टंग की मूवमेंट भी इसकी बेहतर है, तो इट्स मीन के आर्टिकुलेशन का प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इस बच्चे का जो कि ऑलरेडी हम जो है ना काफ़ी हद तक इस पर काम कर चुके हैं, लेकिन अभी जो एक साउंड एरर इसका बाकी है वो है शीन, ठीक है, शीन जो है, शीन को ये सीन प्रोनाउंस करता है, ठीक है। आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? शामीर। जोर से बोलिए, शामीर। ठीक है, शामीर है तो ये शामीर बोलता है, यानी कि सीन की अदायगी करता है। तो इसकी अभी सिर्फ ये एक साउंड है, अभी जो कि एज इसकी जो है वो 6 ईयर है, 6 साल का ये बच्चा है, लेकिन अभी तक इसका शीन साउंड जो है वो सही तरह से डेवलप नहीं हुआ है। तो भैया अभी हम आपको जो है साउंड के जो है असेसमेंट है वो बताऊंगी कि साउंड की असेसमेंट हमने कैसे करनी है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया था तो ये सारा मैंने आपको जो मैकेनिज्म है, जो स्पीच मैकेनिज्म है उसकी फंक्शनिंग बताई थी कि ये सही तरह से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ये सही तरह से पूरी तरह वर्क कर रहा है तो अब हम जो है ना फोनोलॉजी को चेक करेंगे कि बच्चा जो है साउंड को कैसे अदा करता है। उसमें अगर वो एरर कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को आवाज़ों की अदायगी जो है वो सही तरह से नहीं आ रही, यानी कि एक साउंड की जगह दूसरी साउंड का अदा करना, तो इसका मतलब ये है कि वो मैनर एंड प्लेसमेंट यानी जो हमारे आर्टिकुलेटर है उसको वो सही जगह पे जो है वो टच नहीं कर रहा। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं अगर ट साउंड बोलना चाह रही हूँ और बच्चा बोलता है ता, तो इसका मतलब है कि उसको ऊपर जबान जो है लेके जाना, लेके तो चला जाता है, अगर मैं जैसे इस बच्चे को बोलूँ कि ऊपर जबान करो तो ऊपर लेके जा रहा है, लेकिन जैसे ही इसने जो है लफ्ज़ अदा किया ट, तो ट में जो है ना उसने ता कर दिया, तो इसका मतलब है कि इसने रॉन्ग जो है प्लेसमेंट की है, इसने अपने आर्टिकुलेटर यानी कि जबान की जो प्लेसमेंट है वो सही तरह से नहीं रखी, उसने रॉन्गली जो है इसका इस्तेमाल किया है। तो अब हमने साउंड के लेवल पे देखना है कि साउंड के लेवल पे बच्चा जो है कैसे एरर करते हैं। तो इसके लिए जो है हमने मुख्तलिफ पिक्चर जो है वो डिज़ाइन करी है, जो कि हम हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो ज़्यादातर जो है उर्दू बैकग्राउंड से आते हैं। तो ये टेस्ट है जिसको हमने जो है डिज़ाइन किया है, ये इसका फॉर्म है, ठीक है। अभी मेरे पास जो कि फॉर्म जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो ये फॉर्म है, ये उर्दू आर्टिकुलेशन टेस्ट कहलाता है, जो हमारे ICP ने यानी कि जो सीनियर स्पीच थेरेपिस्ट है उन्होंने डिज़ाइन किया है, ये पाक उर्दू आर्टिकुलेशन टेस्ट है। तो इस टेस्ट के थ्रू जो है हम उर्दू साउंड्स को देखेंगे, अगर बच्चा उर्दू में नहीं भी बोलेगा तो साउंड जो कि इंग्लिश और उर्दू की ऑलमोस्ट जो है सेम होती है, सिवाय कुछ साउंड के, जैसे मैंने अपने आपको लास्ट जो है अपने सेशन में बताया था कि जो हमारे कुछ साउंड्स हैं जैसे ख है या ड़ा है या गाइन है, ठीक है, ये इस तरह के कुछ साउंड जो है वो कि इंग्लिश में नहीं है तो उर्दू में ये साउंड है, तो हमने उर्दू ही को जो है उसको वो कर रहा है, प्रीफर जो हम कर रहे हैं उर्दू को कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट है जो कि हमने डिज़ाइन किया है ताकि बच्चे के जो है ना ये साउंड एरर को देखे। यहाँ पे ये फॉर्म है, अभी जैसे मैंने कहा कि अभी मेरे पास फॉर्म अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर इस फॉर्म को मैं जो है ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो इसमें जो है तीन मतलब चार कॉलम बने हैं। ये पहला कॉलम जो है ये साउंड्स का है कि कौन कौन से साउंड्स हैं, यानी कि ब से लेके और पूरे साउंड जो ब है, त है, ला है, यानी कि सारे जो कॉन्सोनेंट साउंड हैं आर्टिकुलेटर में, हम जो है ना कॉन्सोनेंट साउंड्स को जो है चेक करते हैं। वॉवल्स जो है जो कि उसमें हमारे इन आर्टिकुलेटर का डायरेक्टली इतना रोल नहीं होता, लेकिन ये कि कॉन्सोनेंट्स में जो है इन इसके कॉन्सोनेंट्स में आर्टिकुलेटर का जो रोल होता है वो ज़्यादा अहम होता है। तो ये जो है हमारे साउंड लेटर है, यानी ब प त ट ड ल र जीम छे, ये सारे साउंड जो है ये साउंड्स की बॉक्स से, ये पहला बॉक्स जो है इनिशियल यानी कि शुरू के अल्फाज का है, जो दूसरा है ये दरमियान के अल्फाज का है, जो तीसरा जो वो है कॉलम है ये आखिर के अल्फाज यानी कि इनिशियल मिडल एंड फाइनल, यानी कि हमने लफ्ज़ों को शुरू के अल्फाज में, जैसे मैंने आपको पहले वाले सेशन में ये सारा एक्सप्लेन कर दिया था कि शुरू के अल्फाज में, दरमियान के अल्फाज में और आखिर के अल्फाज में
हमने इन तीन पोजीशन पे बच्चे के साउंड्स एरर को देखना है कि बच्चा जो है जो साउंड एरर कर रहा है वो कौन सी पोजीशन पे कर रहा है, मतलब इनिशियल पे कर रहा है, मिडल पे कर रहा है या फाइनल पोजीशन पे कर रहा है। फिर जो लास्ट वाला कॉलम है वो है स्टिमुलेबिलिटी। स्टिमुलेबिलिटी का मतलब ये है कि बच्चा जो है इमिटेशन के ज़रिए जो है कितनी सफाई के साथ जो है वो लफ्ज़ को कॉपी करता है, आवाज़ को कॉपी करता है। ठीक है, जैसे मैं अगर बच्चे से बोलूँ बोलो कबूतर, ठीक है, अगर बच्चे ने जैसे क की एरर कर रहा है, बच्चा जैसे कबूतर को तबूतर बोला है, तबूतर तबूतर, ठीक है, अगर वो बोल रहा, मैंने बोला कबूतर यानी कि मैंने राइट वर्ड्स दिया और उसने फौरन पिक कर लिया, तो मैं ये चेक करूंगी कि उसने जो है कितनी जल्दी जो है मेरे लफ्ज़ों की कॉपी की है बिल्कुल क्लियर वे में। तो इसको मुझे चेक करना है कि उसने इनिशियल लेवल पे अच्छी तरह से बोला या दरमियाने यानी कि मिडल लेवल पे अच्छी तरह बोला या फाइनल लेवल पे यानी कि आखिरी वाली पोजीशन वाला लफ्ज़ जो है उस पर सही बोला। तो इमिटेशन के थ्रू जो है इसने जो वर्ड्स कॉपी किया है उसमें उसने एरर किया तो तब भी मैं चेक करूंगी कि उसने जो है मतलब एरर किया तो क्रॉस मतलब वो लगाऊंगी कि नहीं सही तरह नहीं बोला, अगर उसने सही तरह बोला तो टिक मार्क लगाऊंगी कि हाँ उसने ये साउंड जो है सही तरह बोला। तो ये फॉर्म के ज़रिए हम बच्चों के सारे साउंड्स को यहाँ पे नोट करते हैं कि बच्चे के कितने साउंड्स हैं, यानी टोटल जो हमारे पास साउंड्स आ रहे हैं 23 में से वो कितने साउंड एरर कर रहा है। तो इसके फिर हम कैलकुलेट करते हैं और उसकी परसेंटेज निकालते हैं कि वो कितना बच्चा जो है कितना परसेंट जो है वो सफाई के साथ जो है वो लफ्ज़ों की अदायगी करता है। ये दूसरा कॉलम जो है ये ब्लेंड्स का है। ब्लेंड्स का मतलब ये है कि जो दो कॉन्सोनेंट्स जो है एट अ टाइम जो वर्ड्स में इस्तेमाल होते हैं, जैसे सीन और काफ का इस्तेमाल है, जैसे स्कूटर एस या सीन और काफ, ठीक है, तो इन्हें सीन और काफ जो है मिला के यानी बोले जाते हैं, इसमें वॉवल्स नहीं है, इसको ब्लेंड्स कहते हैं। तो हमने जो जो ब्लेंड्स हैं हमने इसी तरह इसको इनिशियल मिडल एंड फाइनल पोजिशन पर चेक करना है कि बच्चा जो है ब्लेंड्स में जो है कितना एरर कर रहा है। ठीक है, ये उसका कैलकुलेशन का जो तरीका है, यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं कि बच्चे ने जो ना कितने ब्लेंड्स जो है सफाई से बोले हैं, कितने जो है जो साउंड है सिलेबल्स हैं या वर्ड्स लेवल पे उसने कितने सफाई के साथ बोले हैं। अच्छा, इस टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है कि हमने ये जो वो है टेस्ट है ये बच्चे के सामने जो है रखना है और बच्चे से जो है हम डिमांड करेंगे यानी कि उसको ये तस्वीर जो है दिखाएंगे, ठीक है, और उससे पूछेंगे कि ये क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे पास जो है ना ये तस्वीर है, ठीक है, इसमें बिल्ली बनी हुई है, अगर मैं ब साउंड को चेक कर रही हूँ तो बच्चा जो है मतलब जो अगर वो कैट भी बोलता है तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप टोटली उर्दू में पूछना चाह रहे हैं तो आप जो है बच्चे से पूछ सकते हैं कि कैट को उर्दू में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा कॉमन सा नेम है, डेफिनेटली बच्चे को आएगा ज़रूर मतलब लफ्ज़ कैट जो है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कैट ही बोलेगा, बिल्ली भी बोल सकता है। अगर बच्चे ने बिल्ली बोल दिया है तो उसको हमने इस तरह चेक करना है कि जो है इस लफ्ज़ में हम एट अ टाइम जो है 2 से 3 लफ्ज़ भी वो कर सकते चेक कर सकते हैं। ठीक है, 2 तो कम से कम हम कर सकते हैं, जैसे ब बिल्ली, ठीक है, अब इनिशियल लेवल पे यानी कि स्टार्टिंग में मैं ब को चेक कर रही हूँ तो ब जो है वो इनिशियल यानी कि स्टार्ट वाले वर्ड्स में ब को चेक कर रही हूँ, ल जो है मैं मिडल पोजिशन पे यानी कि मिडल पोजिशन पे जो है लफ्ज़ को चेक कर रही हूँ लाम को। ठीक है, इसी तरह से जो है ये मैं जो मैंने फॉर्म दिखाया है ये बच्चे के जो रिस्पॉन्सेज हैं मैं उस फॉर्म में जो है उसका रिस्पॉन्स जो है नोट करूँगी कि उसने बा को कैसे प्रोनाउंस किया, ल को कैसे प्रोनाउंस किया। ठीक है, इसी तरह से जो है प्लेट है, प्लेट में जैसे पा है, अगर मैं इसमें देखूँ, देखिए इसके पीछे जो है ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ये आपको मेरे ख्याल में उल्टा नज़र आ रहा है, उल्टा उल्टा। अच्छा, बहरहाल ये यहाँ पे लिखा है ये क्या है, यानी कि ये क्या है, प्लेट में जो है हमने साउंड जो है देखना है, जैसे प ल ट टे, 3 साउंड जो है आप इकट्ठे भी जो है ना वो चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पा आपने इनिशियल पे चेक किया, ल जो है मिडल में चेक किया, ट जो है आपने फाइनल पोजिशन पे चेक किया,
तो एक जो है वर्ड से आप एट अ टाइम जो है 2 से 3 अल्फा साउंड जो है वो आसानी के साथ चेक कर सकते हैं, लेकिन ये तब हो सकता है जब आपको काफ़ी हद तक जो है प्रैक्टिस हो जाए, इस टेस्ट का इस्तेमाल करने की काफ़ी हद तक प्रैक्टिस होगी तो आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये तस्वीर है जिसमें ये है तोहफा। ठीक है, तोहफे में ता को इनिशियल पे हमने चेक किया, फा को हमने मिडल में किया, ठीक है, और हा को जो है हमने फाइनल पोजीशन पे किया। इसी तरह से जो है हमने ट्रेन है, ट्रेन को जो है आपने देखिए इसमें ब्लेंड भी आ जाता है, ट और र, टे और रे इकट्ठे आ गए तो ये ब्लेंड में चेक कर सकते हैं। इसको सिंगल ही अगर टा में करें तो टा भी चेक कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ट्रेन तो ट है, ठीक है, फिर जो है रा जो है वो मिडल में है, और नून जो है, ना जो है वो फाइनल पोजीशन पे है। तो इस तरह पिक्चर के थ्रू जो है आपने बच्चे को जो है उसके रिस्पॉन्सेज को चेक करना है वर्ड लेवल पे कि जो है बच्चा इस लफ्ज़ को कैसे प्रोनाउंस करता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको डेमोंस्ट्रेट करके दिखाती हूँ। इधर आइएगा, ये क्या है? ट्रेन। जोर से बोलिए, ट्रेन। ठीक है, ये क्या है? दरख। जोर से बोले, दरख। दरख, अच्छा, इसने बोला दरख, यानी कि ते को जो है थोड़ा सा इसने ओमेशन किया, दरख खा आखिर में जो है ना हमें जो साउंड सुनाई दे रही है वो खे की सुनाई दे रहा है, दरख, तो ते जो है इसने क्या किया, ओमेट किया। ठीक है, फिर बोले, फिर बोलिए शामी, इधर बोलिए, दरख। ये क्या है? तोस, डब्लू टी। फिर बोलिए, डब्लू टी। ठीक है, ये क्या है? हाँ सही बोला, दोबारा बोले, कोल्ड्रिंक। ठीक है, इस तरह हमने जो है वन बाय वन ये सारे जो पिक्चर्स इसमें बने हुए हैं यानी कि बच्चे के सारे साउंड्स को जो है हमने नोट करना है कि बच्चे ने कहाँ कहाँ पे कौन सा साउंड जो है वो एरर किया है, चाहे वो जो है ठीक। अच्छा, इनका जो एक साउंड एरर आ रहा है वो शीन का आ रहा है, तो शीन को जो है हमने ये देखना है कि शीन को कैसे जो है वो प्रोनाउंस करते हैं। ये क्या है? अच्छा, ये जो लफ्ज है ये अमूमन बच्चों को पता नहीं होता, जो कि इतना कॉमन मतलब हर कोई नहीं खाता, ये शकरकंदी। ठीक है, तो ये पिक्चर जो है अमूमन बच्चे इसको पहचान नहीं पाते, अमूमन इसको या तो आलू बोल लेते हैं, पोटैटो। ठीक है, इसको बोलिए शकरकंदी, बोलिए शकरकंदी, जोर से बोलिए शकरकंदी। हाँ, तो इसने जो है शीन को इसने प्रोनाउंस किया सीन, शकर, फिर बोलिए शकरकंदी। ठीक है, इनिशियल लेवल पे इसने जो है शीन को जो है सीन बोला, अब हम मिडल लेवल लास्ट जो पोजीशन जो है फाइनल पोजीशन वाला वर्ड्स है उसको चेक करते हैं कि इसमें शीन की अदायगी कैसे करते हैं। ये क्या है? खरगोश। जोर से बोले, खरगोश। ठीक है, तो ये खरगोश को जो है ना उन्हें खरगोश यानी कि सीन जो है वो प्रोनाउंस किया। उर्दू में क्या बोलते हैं? कल भी आपने लिखा था ये चिड़िया। ये क्या है? हिरन। नो, हैन। ये भी लिखा था, हैन को उर्दू में क्या बोलते हैं? हैन को उर्दू में क्या बोलते हैं? मुर्गी है, मुर्गी। अच्छा, इसने मुर्गी को बोला मुर्गी,
यानी कि गैन को इसने जो है गाव से सब्स्टिट्यूट किया, गैन को इसने मिडल में मुर्गी, यानी कि मीम जो है इनिशियल पोजीशन पे है, जो है रे और गे जो है वो मिडल पोजीशन पे है। तो अगर हम गैन को देखें तो गैन जो है वो क्या है, मिडल पोजीशन पे है, तो इसने गैन को जो है गाव से सब्स्टिट्यूट किया। ये क्या पढ़ रहे हैं? निमास। ठीक है, ये क्या है? रिक्सा। हाँ, अब देखे हमने जो कि इसका देखे एरर आ रहा है, गैन में इसका एरर आया, गैन में इसने जो है मिडल पोजीशन पे जो है सब्स्टिट्यूशन किया। शीन जो कि इसका तीनों पोजीशन पे प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि जो शीन है इसको ये सीन जो है प्रोनाउंस करते हैं, तो शुरू में भी इसने जो है शकरकंदी को सकरकंदी बोला, और मिडल में जो है फाइनल पोजीशन पे इसने सीन को मतलब शीन को सीन बोला। और इसी तरह अगर हम मिडल पोजीशन पे चेक करें, ये इधर देखें, इधर आइए, ये क्या है दोबारा बोलें, रिक्सा। ठीक है, तो मिडल पोजीशन पे जो है इसने रिक्सा बोला। ठीक है, तो यानी कि तीनों पोजीशन पे अगर हम देखें तो शीन जो है इसका कॉन्स्टेंटली एरर आ रहा है, तो इट्स मीन के जो है जो साउंड एरर इसका आ रहा है, एक तो शीन का आ रहा है कि शीन जो है वो सही तरह प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, और दूसरा जो इनका एरर आ रहा है वो गैन का आ रहा है कि गैन को ये गाव से जो है वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो अगर हम देखें तो इसमें इस बच्चे में जो टाइप आ रहा है वो सब्स्टिट्यूशन का ज़्यादा आ रहा है, कि अगर हम आर्टिकुलेशन या फोनोलॉजिकल एरर को देखें तो सब्स्टिट्यूशन इसमें ज़्यादा जो है प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूशन का ही है। ठीक है, तो ये दो साउंड है जो कि अभी इतना डेप में जो है ना यानी कि हमने पूरे डिटेल में ये डेप के साथ जो है ये पूरे साउंड जो है उसको वो करना है, एडमिनिस्टर करना है इस टेस्ट को, और तब जाके बच्चे का जो है सारे साउंड एरर जो है वो देखना है कि टोटल साउंड में से ये इसके कितने एरर्स मौजूद है, तो इसको हम फिर कैलकुलेट करेंगे और उसकी इंटेलिजिबिलिटी को जो है मेजर करेंगे कि इसकी इंटेलिजिबिलिटी कितनी आ रही है। जो कि लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जो 70% जो है तकरीबन जो 4 साल का बच्चा होता है 70% जो है वो क्लियर वे में बोलता है, यानी कि 6 से 7 साल जो मैक्सिममली जो एज होती है बच्चे की क्लैरिटी की वो 7 साल है, यानी 7 साल में मैक्सिमम जो एज है बच्चे के साउंड क्लैरिटी का वो 7 साल तक बच्चे को क्लियर वे में बोल लेना चाहिए। ठीक है, अभी इस बच्चे की जो एज है वो 6+ है। ठीक है, इसको तकरीबन 2 साउंड्स का एरर जो है आप लोगों ने जैसे देखा, मजीद भी इसमें कोई साउंड एरर, रे का जो है रे भी सही तरह ये बोल रहते हैं, रे भी सही तरह ये बोल रहते हैं, यानी इट्स मीन कि इसके सिर्फ 2 साउंड एरर आ रहे हैं, एक तो जो है गैन का आ रहा था और एक जो है शीन का आ रहा था। ठीक है, तो ये हमने नोट किया कि हमने बच्चे को जो है कैसे असेस करना है, उसके ओरल मोटर को जो है हमने एग्जामिनेशन करनी है, देखना ये है कि उसका ओरल मोटर जो मैकेनिज्म है वो कैसे वर्क कर रहा है, ये देखा हमने। जो सेकंड हमारा जो वो थर्स्ट फेज था उसमें हमने साउंड्स को देखना था कि बच्चा जो है साउंड एरर कहाँ कहाँ पे कर रहा है, यानी कि इनिशियल लेवल पे, मिडल लेवल पे या फाइनल पोजीशन पे, जो 4 टाइप्स है कि सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, ओमेशन कर रहा है, डिस्टॉर्शन कर रहा है या फिर एडिशन कर रहा है, तो ये 4 टाइप्स जो है हमने बच्चे में देखना ये है कि उसको प्रॉब्लम जो है कहाँ पे हो रही है। ठीक है, जैसे इस बच्चे का जो प्रॉब्लम आ रहा था वो सब्स्टिट्यूशन में ज़्यादा आ रहा था कि वो जो साउंड है वो साउंड को सब्स्टिट्यूट कर रहा था। तो अब हम आ जाते हैं थेरेपी पे। अच्छा, अब इनकी थेरेपी जो है कैसे होनी चाहिए। ठीक है, जब हमें ये जो हमने फाइंड आउट कर लिया या असेस कर लिया कि बच्चे के ये साउंड जो है प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अगर मैं इस बच्चे की बात करूं तो इस बच्चे के जो है शीन का मसला जो है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, यानी कि तीनों पोजीशन पे इसका ये साउंड एरर जो है वो ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, जैसे इसने जो है शुरू का जो लफ्ज़ था शकरकंदी को सकरकंदी बोला। ठीक है, जो मिडल का लफ्ज़ था इसने रिक्शे को बोला रिक्सा। ठीक है, और इसी तरह जो खरगोश था इसने खरगोश को बोला खरगोश।
तो इसमें इट मींस कि जो तीनों लेवल पे इसके जो साउंड एरर है वो तीनों एरर आ रहे हैं शीन के, ठीक है। तो अब हम अगर इसकी ट्रीटमेंट करेंगे, पहले हमने इसकी जो है ब्लोइंग को चेक किया कि इसके पास जो है ना प्रेशर कितना है, ठीक है। जो कि ये प्रेशर वाला साउंड है, अगर आप ये तो इसमें प्रेशर जो है ये ब्रीथ जो है वो आपकी रिलीज हो रही है। तो हमने प्रेशर को चेक करना है कि प्रेशर जो है उसके वो इस एज रेलिवेंट जो है वो इनफ है या नहीं है। वैसे इनके जो वो प्रेशर है वो बिल्कुल सही है, एज अप्रोप्रिएट इसका है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो प्रॉब्लम आ रहा है साउंड प्रोडक्शन में आ रहा है। तो साउंड प्रोडक्शन के लिए अब हमने क्या करना है कि हमने साउंड्स की जो है इनके फोनोलॉजी की प्रैक्टिस करवानी है। आर्टिकुलेटर जैसे अभी आपने देखा कि इसके आर्टिकुलेटर सारे जो फंक्शनिंग है वो बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है, ठीक है। नॉर्मल रेंज में जो ना उसके टंग के मूवमेंट, ब्लोइंग करना, ठीक है, ये सारे जो अभी हमने ओरल मोटर देखा, तो इसका मतलब है कि इस बच्चे का जो है आर्टिकुलेटर जो है वो सही तरह से फंक्शनिंग कर रहा है। अगर देखा जाए तो इनकी जो हिस्ट्री है वो टंग टाई की है, लेकिन जो कि टंग टाई रिमूव होने के बाद इनके काफ़ी हद तक एक्सरसाइजेस वगैरह हुई है, इनकी स्पीच पे भी काफ़ी हद तक वर्क हुआ है इसकी क्लैरिटी पे। तो इट्स मीन के इसने काफ़ी हद तक जो है इस साउंड्स को अचीव कर लिया। इनका कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ जो माइनर प्रॉब्लम था वो क्या था, टंग टाई था। टंग टाई जो कि इनकी अर्ली एज यानी कि 15 मंथ्स में इनका टंग टाई जो है वो रिमूव हुआ है, जो कि उस वक्त इनकी जो एज थी वो डेवलपमेंटल एज ऑफ लैंग्वेज थी। तो जिसमें इसने जो है ना फौरन ही उन साउंड को जो है कैश करना कर लिया, इसके साथ इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ जस्ट जो है ना थोड़ा बहुत जो है ना इनके टंग पे वर्क किया गया है। जो कि टाई जिन बच्चों का होता है, अगर उनका ये टाई रिमूव हो भी जाता है तो वो अपने टंग जो है ऊपर जो है जो एल्वेलरी यानी गम जो है यहाँ पे सही तरह से लेके नहीं जाते, यानी ऊपर जो है जबान लेके नहीं जाते। अगर टंग रिमूव भी हो जाता है उसके लिए ज़्यादा ज़्यादा टंग की प्रैक्टिस यानी कि एक्सरसाइज करनी होती है, यानी कि हमने साउंड्स पे डायरेक्टली वर्क नहीं करना होता, टंग की मूवमेंट को बेहतर बनाना होता है। जब टंग की मूवमेंट बेहतर हो जाती है तब हम जो है उस पे आते हैं, साउंड्स पे आते हैं, ठीक है। तो बच्चे के अगर ये मैकेनिज्म सही तरह से वर्क करेगा तो देन जो है प्रोडक्शन ऑफ साउंड जो है उसकी बिल्कुल फिर सही वे में होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे ने टंग की मूवमेंट बेहतर हो गई अब वो खुद से साउंड निकालेगा, नहीं। जैसे आपने उसको टंग की एक्सरसाइज करवाई है, ठीक है, बार बार उसकी जो है ना ये ओरल मोटर वो करवाएं, प्रैक्टिस करवाई है उसकी, स्टिमुलेशन वगैरह दिया ओरल मोटर का, बार बार ये करने से उसकी जो मोटर फंक्शनिंग है उसमें बेहतरी आई, सेंसरी में जो है ना उसकी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आई। जब इनके ये सारे आर्टिकुलेटर जो है अच्छे तरह से जो है वो वर्क करने लगे, फंक्शनिंग करने लगे, तो अब क्या है कि बच्चे को अब हमने साउंड की प्रोडक्शन सिखाना है। बच्चा खुद से नहीं सीखेगा, इसके बच्चे को अगर बोलना होता सही तरह से तो वो पहले ही बोल चुका होता। तो इट्स मीन के जैसे हमने एक्सरसाइज करवाई है टंग की, इसी तरह हमने साउंड की प्रैक्टिस भी करवानी है। अब साउंड की प्रैक्टिस के लिए हमने क्या करना है कि जब हमने असेसमेंट कर लिया, अब असेसमेंट में हमने ये फाइंड आउट कर लिया है कि बच्चे के ये साउंड एरर आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे इस बच्चे के जो साउंड एरर आ रहे थे, दो साउंड एरर आ रहे थे यानी शीन और गैन के, तो अब मैं क्या करूँगी कि मैं जो है आर्टिकुलेटर पे वर्क नहीं करूँगी बल्कि मैं इसके साउंड प्रोडक्शन पे वर्क करूँगी, इसलिए कि आर्टिकुलेटर की फंक्शनिंग इसकी नॉर्मल है। तो अब मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना साउंड्स निकालने की प्रैक्टिस करूँगी। अब साउंड निकालने की प्रैक्टिस क्या होगी कि पहले इससे मैं सिर्फ साउंड्स निकलवाऊँगी, पहले मैं ये देखूँगी कि देखिए इसने शेप जो है ये इस तरह गोल शेप, यानी कि इसके मैनर और इसकी प्लेसमेंट जो है मैं देखूँगी कि ये सही तरह से कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। अगर ये शेप इस तरह बना लेता है, ठीक है, ये भी जो कि आर्टिकुलेटर की फंक्शनिंग है लेकिन इसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं थी, इसको हो सकता है कि ये जो है ना सही तरह से इसको इमिटेट करना नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम इसको जो है ना मिरर के सामने बिठा के इसको जो है ना पूरा वो शेप बनाना सिखाएंगे और इसको बोलेंगे कैसे प्रेशर जो है वो रिलीज करना है। जब बच्चा सिर्फ ये साउंड यानी कि ये आवाज़ जब वो प्रोनाउंस करना यानी निकालना प्रोडक्शन करना शुरू कर देगा तो आगे हम फिर सिलेबल पे जाएंगे, डायरेक्ट हम वर्ड्स पे नहीं जाएंगे, यानी बच्चों को डायरेक्टली अल्फाज बोलना नहीं सिखाएंगे,
पहले हम साउंड पे आएंगे, जब साउंड क्या है, जब बच्चे ने ये आवाज निकाली तो देन जो है मैं सिलेबल पे आऊंगी, शा शा शा। शीन के साथ मैंने अ को ऐड कर दिया, अ यानी कि ये सिलेबल बन गया। वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट की कम्बिनेशन जो होती है उसको सिलेबल्स बोलते हैं। जब ये सिलेबल्स जो है, ये साउंड जब हमने कंबाइन किया तो ये सिलेबल्स बन गया, यानी हमने स्टेप बाय स्टेप बच्चे को लेके चलना है। ठीक है, डायरेक्टली ना जुमलों पे जाएंगे, डायरेक्टली ना कन्वर्सेशन पे जाएंगे, ना डायरेक्टली वर्ड्स पे जाएंगे। हमने देखा कि बच्चे से ये आवाज़ ही नहीं निकल पा रही शीन की, तो हमने शीन की जो है साउंड की प्रोडक्शन दी, इस जो है ना पोस्चर को हमने देखा कि उसने उसी तरह से जो है ना वो माउथ की शेप बनाई है, नहीं बनाई है, प्रेशर उस क्वांटिटी में निकल रहा है, नहीं निकल रहा, पहले हम ये करवाएंगे। ठीक है, जब बच्चा श की आवाज़ निकाल लेगा तो देन जो है हम आ को ऐड करेंगे, शा शा, तो ये सिलेबल बन जाएगा। जब बच्चा साउंड से सिलेबल पे आ जाएगा, सिलेबल की प्रोडक्शन भी वो सही तरह करना शुरू कर देगा, तो देन जो है हम वर्ड्स पे जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब ये जो सिलेबल्स हैं, ये हमने जो है ना सिलेबल्स इनिशियल यानी कि शुरू में भी हमने देखना है, मिडल में भी देखना है और आखिर में भी देखना है। जैसे जो शीन जो है वो हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया, आ जो है हमने बाद में यूज़ किया, शा। ठीक है, शा। ठीक है, आ जो है हमारा सेकंड साउंड निकल रहा है और जो शा है वो हमारा फर्स्ट साउंड निकल रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि सिलेबल में भी हमने जो कि हमने इनिशियल मिडल फाइनल यानी कि शुरू के अल्फा, शुरू में, दरमियान में और आखिर, यानी कि इन तीनों पोजीशन पे ये साउंड जो है इस्तेमाल होते हैं, तो हमने सिलेबल्स को भी जो है इनिशियली भी बोलना सिखाना है, मिडल में भी करना सिखाना है और फाइनल में भी सिखाना है। जैसे अश अश एश, ठीक है, ये जो है वॉवल के साथ, वॉवल को हमने शुरू में लेके आए और शीन को हमने आखिर में, जो श साउंड है उसको हमने आखिर में कर दिया। इसी तरह इन तीनों पोजीशन पे हमने बच्चे को प्रैक्टिस करवाई, यानी कि शुरू के साउंड में भी उसको प्रैक्टिस करवाई, दरमियान के आवाज़ों में भी प्रैक्टिस करवाई और फिर आखिर के आवाज़ों में भी प्रैक्टिस करना सिखाई। तो जब बच्चा इसको, इस स्टेज को मतलब कवर कर लेगा, उसमें ये साउंड जो है सिलेबल लेवल पे डेवलप हो जाएगी, देन जो है हम वर्ड्स पे जाएंगे। यानी पहले हमने साउंड सिखाई, फिर उसके बाद शा, फिर सिलेबल लेवल पे लेके आए बच्चे को, फिर हमने वर्ड्स लेवल पे लेके आए। अब वर्ड्स लेवल पे क्या है कि बच्चे जो होंगे, आप देखें शा जो है इस तरह के साउंड को आप डायरेक्टली इमिटेशन के थ्रू जो है आप सिखा सकते हैं। बच्चा जो कि कलरफुल चीज़ों पे ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि हम बच्चों के लिए जो है ना पिक्चर्स जो है वो डिज़ाइन करें, पिक्चर्स कार्ड जो है वो आप डिज़ाइन करें, ठीक है, जिसमें बच्चा जो है इंटरेस्ट ले। ठीक है, बच्चे के इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास अट्रैक्टिव जो है कार्ड्स होने चाहिए, यानी बच्चे के अट्रैक्शन के लिए, ताकि बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, तो अब मेरे पास जो है ये कार्ड्स जो आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ पिक्चर्स हैं। ठीक है, हमने शीन को टारगेट किया था, शीन हमारा जो है वो टारगेटिंग साउंड है, यानी कि हमने इस शीन पे वर्क करना है। तो इसमें मैंने सारे जितने भी है, इंग्लिश के भी अल्फाज हैं, उर्दू के भी हैं, जो कि हमारे जो है कुछ जो वर्ड्स हैं मिक्सचर है, यानी उर्दू इंग्लिश दोनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन आप जब आप असेसमेंट करते हैं पेरेंट्स से, जब आप हिस्ट्री वगैरह लेते हैं, तो उसमें जो है आप लैंग्वेज का आपको पता चल जाता है कि हमने थेरेपी जो है बच्चे को किस लैंग्वेज में देनी है। ठीक है, तो अगर बच्चा आपके पास ऐसे फैमिली से, यानी कि ऐसे बैकग्राउंड से आया है जिनके पेरेंट्स उनके साथ ज़्यादा ज़्यादा जो है ना इंग्लिश वोकैबुलरी पे जो है मतलब वर्क करते हैं या इंग्लिश में बात करते हैं, तो आप फिर वो कोशिश करें कि आप इंग्लिश में ही जो है बच्चों की वोकैबुलरी पे काम करें, साउंड्स पे। ठीक है, अगर दोनों, जैसे पेरेंट्स कहते हैं कि हम दोनों तरह से वोकैबुलरी का इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश उर्दू, तो इंग्लिश उर्दू दोनों करें। या कुछ ऐसे मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिलीज होती हैं जो पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं होते, वो प्योरली अपने बच्चों के साथ जो है उर्दू लैंग्वेज में बात करते हैं, तो यानी कि जिस लैंग्वेज में जो है वो बात करते हैं, चाहे वो उर्दू में करें चाहे वो मिक्सचर उर्दू इंग्लिश करें, तो आपने ऐसे ही जो है अपनी स्ट्रेटजीज जो है ऐसे ही बनानी है।
ठीक है, तो अब जैसे इसमें कुछ है, जैसे शेर है जो स्टार्टिंग में क्या है, शेर, शीशा, शार्क। अब ये शार्क है, जाहिर बात है इंग्लिश का लफ्ज है, शार्क, शूज, शिमला मिर्च, शलजम, ठीक है, शॉपनर, शरबत, शर्ट, शेल्फ, शामी कबाब, शैम्पू, शीट, शावर, ठीक है। ये सारे वन बाय वन जो है हमने फिर वर्ड्स की प्रैक्टिस करवानी है, यानी अच्छा अब इसकी जो सिलेक्शन है कि बच्चों को हमने इनिशियल यानी कि शुरू के अल्फाज की प्रैक्टिस करवानी है, या दरमियान के अल्फाज की प्रैक्टिस करवानी है, या फिर आखिर के अल्फाज की प्रैक्टिस करवानी है, तो देखिए ये डिपेंड करता है बच्चे पे। कुछ बच्चे होते हैं जो कि इनिशियल पोजिशन के लफ्ज़ को बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो फाइनल पोजिशन यानी कि आखिर के जो अल्फाज होते हैं उसके जो है साउंड्स को जल्दी पिक कर लेते हैं। जैसे अगर मैं लास्ट के साउंड की बात करूँ तो मेरा ख्याल है कि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बच्चे जो है जो लास्ट वाला साउंड होता है उसको इजीली फौरन कैच कर ले, जैसे फिश, 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 ठीक है, यानी कि ये जो लास्ट साउंड है शीन, इसके बाद दूसरा कोई साउंड नहीं आ रहा, यानी जो एंड हो रहा है वो एस एच यानी शीन पे हो रहा है, उसके बाद दूसरी कोई साउंड जो है वो नहीं बोली जाएगी। तो बच्चे के लिए ये वाले जो वो है फाइनल पोजिशन वाले लफ्ज़ है, इसमें बच्चे के लिए आसानी होती है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है। अगर हम मिडल वाले तो बहुत ही मुश्किल होता है, जो कि उसके आगे पीछे जो है दूसरे वो साउंड्स होते हैं, अगर मैं जो है दरमियान से शुरू करूँ यानी कि मिडल वाले जो है उससे स्टार्ट करूँ, मिडल पोजिशन वाले लफ्ज़ से अगर मैं स्टार्ट करूं, तो इसका मतलब है कि बच्चे को जो है वो ज़्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। अब जैसे मिडल वाला क्या है कि कश्ती, जैसे काफ के बाद शीन आया, फिर ते आया, फिर छोटी ये आया, तो बच्चे को ये लफ्ज़ बोलने में मुश्किल होगा, जो कि उसके बाद दूसरे वाले वो होंगे, फोनेम होंगे, साउंड होंगे। टिश्यू, टिश्यू, पेपर। अब टिश्यू शीन जो है वो मिडल में आ गया, अब उसके बाद भी दूसरे साउंड्स बोल रहे हैं, बोलना है, तो ये वाली जो मिडल वाली वो है प्रोनाउंसिएशन है बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट होगी। तो बेस्ट जो ये है कि बेहतर ये है कि बच्चे को अगर हम फाइनल पोजीशन पे स्टार्ट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी ये डिपेंड करता है बच्चे पे कि इमिटेशन के थ्रू बच्चे ने इनिशियल वर्ड्स यानी कि स्टार्टिंग वाले वर्ड्स को जल्दी पिक किया, स्टार्टिंग वाले साउंड्स को, वर्ड्स ने साउंड्स को जल्दी पिक किया, या फाइनल पोजिशन वाले वर्ड्स में जो है साउंड को जल्दी पिक किया। तो ये बच्चे की उस पर डिपेंड करता है, एबिलिटी पे। तो बच्चे ने अगर जो फाइनल पोजीशन पे अगर जल्दी पिक किया तो हम फाइनल पोजीशन ही को वो प्रैक्टिस करवाएंगे, अगर उसने इनिशियल पोजीशन के जो ना साउंड को जल्दी पिक किया तो हमने इनिशियल ही को जो है प्रैक्टिस करवानी है। तो इस तरह के हर साउंड के जो है तीन तीन शीट्स बनी हुई है, यानी कि इनिशियल इनिशियल वर्ड्स हैं जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, फिर उसके बाद जो है ये वो है मिडल वर्ड्स हैं, मिडल में जो है कश्ती, टिश्यू, गोश्त, मिल्कशेक, रिक्शा, इंजेक्शन, और ये है शेल्फ, सी शेल्फ, और ये है कुशन, ठीक है, नाशपाती। तो ये सारे वर्ड्स जो है ना हमने ये तकरीबन जो वर्ड्स हैं हमारे पास 18 वर्ड्स हैं, यानी जितना ज़्यादा आप बच्चों को अल्फाज बहुत सारे जिन वोकैबलरी इसी साउंड्स की बनाएंगे तो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो वो एरर कर रहा है उसकी प्रैक्टिस करने का उसको ज़्यादा मौका मिलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन लफ्ज़ों को जो है वो करें, यानी पिक्चर कार्ड के ज़रिए जो है वो बनाएं और बच्चे की बार बार जो है प्रैक्टिस करें, फिर इसी तरह से जो है फाइनल पोजिशन की जो है ये शीट्स है। तो ये है शीट्स जो है हमने डेवलप की है ताकि बच्चे को जो है एक तो इंटरेस्ट भी मेंटेन रहे, बस प्लस ये कि देखिए जब बच्चा हमारे पास आते हैं तो हमारे पास ये मटेरियल जो है मतलब रेडी होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए। ये नहीं है कि बच्चे को हम पेंसिल से ड्रॉ करके दे रहे हैं, उसमें ये है कि प्रैक्टिस का टाइम जो है आपका ज़्यादा निकल जाएगा कि आप पिक्चर ड्रॉ करके दे रहे हैं, तो जो कि स्पीच थेरेपी का सेशन जो है इतना लंबा नहीं होता, इसलिए कि बच्चा जो है बहुत जल्दी फैडअप हो जाता है इतने लंबे टाइम के लिए, वो आपको इतना पॉजिटिवली रिस्पॉन्स नहीं देता।
तो इतना शॉर्ट टाइम में जो है तकरीबन 30 मिनट्स, 35 या मैक्सिममली भी अगर आप टाइम देते हैं तो 40 मिनट्स, ठीक है। लेकिन अमूमन बच्चे जो है इतनी देर तक टॉलरेंस नहीं कर पाते। कि आपके पास ये सारा मटेरियल जो है, जो साउंड प्रैक्टिस का है, वो आपके पास ऑलरेडी बना हुआ होना चाहिए ताकि उसमें आपका टाइम जो है वेस्ट ना हो। तो ये सारे हमारे जो साउंड्स के हैं, ये सारे शीट्स जो है बनी हुई हैं। जब हमने सब बच्चे वो करना है, अच्छा एक साउंड पे आप अब डिसाइड ये करना है कि बच्चे के अब बहुत सारे साउंड एरर आ रहे हैं, ठीक है। साउंड एरर ये कि अभी जैसे इस बच्चे के दो आ रहे थे, ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे का एक जैसे ही हो, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जिनके जो है अगर टोटल जो है 23 वो है साउंड्स हैं और उसमें से जो है वो 15 साउंड एरर कर रहा है, 10 कर रहा है, 9 कर रहा है। इसका मतलब ये जितना नंबर ऑफ साउंड एरर ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा बच्चे को टाइम लगेगा सीखने का, ठीक है। तो ये जो है डिपेंड करता है कि बच्चे में कितनी सलाहियत है। अगर हम इम्प्रूवमेंट की बात करें कि बच्चे जो है कितने सेशन में जो है ये साउंड्स एरर उसके कवर हो जाते हैं, तो ये डिपेंड करता है बच्चे की एबिलिटी पे, उसकी कोऑपरेशन पे, कि बच्चा आपके साथ जो है ना कितना कोऑपरेट कर रहा है। प्लस ये कि पेरेंट्स घर में जो आपको उनको गाइड करते हैं, पेरेंट्स को, पेरेंट्स जो है वो घर में कितना प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है। तो तब जाके जो है बच्चे के जो है ये साउंड एरर जो है वो इम्प्रूव होते हैं। सिर्फ स्पीच थेरेपी की क्लास लेने से जो है ये नहीं है कि 100% बच्चा जो है रिकवर हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें जो ना सब लोगों का कंट्रीब्यूशन शामिल है, यानी कि फैमिली मेंबर्स का भी है, इवन कि टीचर्स का भी है। तो जितना ज़्यादा आप बच्चे को जो है ये एक्सपोजर देंगे, वो इन्वायरमेंट जो है प्रोवाइड करेंगे, उतना ही बच्चे में जो है वो बेहतरी जल्दी आती है। लेकिन अगर जिसका ज़्यादा साउंड एरर होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक बच्चे का जो है नंबर ऑफ साउंड जो है वो 9th है या 12th है और एक बच्चे के जो है वो 4 है, 5 है, तो इसका मतलब है कि उसके कम एरर आ रहे हैं, तो वो कम सेशन में उसकी रिकवरी होगी, ठीक है। लेकिन ये भी फिर भी डिपेंड करता है बच्चे पे कि बच्चे ने अगर आपके साथ कोऑपरेट किया, फैमिली मेम्बर्स जो है वो उसके साथ काफ़ी जो है हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसके साथ मेहनत कर रहे हैं, उसको टाइम दे रहे हैं, तो वो जल्दी कवर करेगा। लेकिन अगर जिसके साउंड एरर बहुत ज़्यादा है और उसको जो है फैमिली की तरफ से कोई टाइम भी नहीं मिल रहा, वो टाइम नहीं दे रहे, ठीक है, इसके अलावा जो ना फ्रीक्वेंटली जो है स्पीच थेरेपी के सेशन नहीं ले रहा, तो इससे क्या है कि इतनी जल्दी जो है बच्चा कैसे रिकवर करेगा जब तक आप उसको अपॉर्चुनिटी जो है नहीं देंगे। और दूसरी एक बात ये कि थेरेपी के लिए ज़रूरी है कि आप जितना अर्ली, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि हर साउंड की अपनी एक एज होती है। अगर आपको लगता है कि जैसे देखिए आप अपने बच्चे को दूसरे से डेफिनेटली कंपेयर करते होंगे कि एक 4 साल का बच्चा जो है 70% जो है वो क्लियरली बोल रहा है और एक आम आदमी को भी जो है उस बच्चे की स्पीच समझ में आ रही है। लेकिन एक ऐसा बच्चा, एक फैमिली में एक ऐसा बच्चा है जो कि 70% किसी को समझ ही नहीं आ रही, मतलब हर कोई पूछ रहा है कि क्या बोल रहा है। कोई कोई अननोन आता है, वो आपसे बोलता है ये बच्चा क्या बोल रहा है कि हमें समझ नहीं आ रहा। जब इस तरह के बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जो है आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाए और वो बार बार कहते हैं क्या बोला आपने, या बच्चे से बोले जाते हैं दोबारा बोलो, तो इससे क्या होता है कि इसका मतलब ये है कि घर वालों को तो समझ में आ रहा है लेकिन बाहर के बंदों को जो आते हैं, चाहे वो रिलेटिव काफ़ी अर्से के बाद आते हैं या कोई अननोन है, या स्कूल में टीचर अमूमन होती हैं जो बच्चे से भी बोलती हैं दोबारा बोलो क्या बोला, तो इस तरह की क्या है कि इसका मतलब ये है कि बच्चे की जो स्पीच क्लैरिटी जो है वो टाइम के साथ साथ उसकी वो डेवलपमेंट नहीं हुई जो कि इस एज में होनी चाहिए। तो आपको जितना अर्ली जो है आप अपने बच्चे की स्पीच थेरेपी करवाएंगे उतना ही ज़्यादा जो है बच्चे की मतलब इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होगी, बच्चे को फ़ायदा होगा। और अर्ली एज में स्पीच थेरेपी का फ़ायदा ये होता है कि बच्चा जो है वो आपके कंट्रोल में ईजिली आ जाता है, ठीक है। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है तो वो फिर अपनी मनमानी करता है, ठीक, यानी कि वो आपके इतना ही करता हो, दूसरे के इतना अटेंशन वो फोकस नहीं कर पाता, इधर उधर इन अटेंशन जो देता है, इतना इंटरेस्ट नहीं लेता। तो अर्ली एज का मतलब ये होता है कि आप बहुत जल्दी बच्चे को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, जिस तरह आप करना चाहते हैं तो वो आपको जल्दी फॉलो कर। ज़्यादा ज़्यादा आपने जो है इसकी साउंड्स की जो है प्रैक्टिस करवानी है,
ठीक है। तो ये हमारा शीट्स जो मैं आपको दिखा रही, तो हर साउंड की जो है शीट्स बनी हुई है, ठीक है। ये क है तो क साउंड के जो है हमने शीट्स बनाई इस तरह। ये सारे साउंड जो है उसके इनिशियल मिडल एंड फाइनल पोजीशन पे जो है सबकी शीट्स बनी हुई है। जो जो साउंड ज़ायर के साथ बच्चा आता है तो हमने शीट्स के थ्रू जो है, ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कर सकते हैं आप जो है। अच्छा, फिर हम आ रहे थे कि वर्ड्स लेवल पे हमने प्रैक्टिस करना सिखाई है वर्ड्स लेवल पे, ठीक है। पहले हमने साउंड्स लेवल पे किया, फिर उसके बाद जो है हमने सिलेबल लेवल पे किया और देन वर्ड्स लेवल पे किया। तो उस पर भी मैंने आपको तरीका बताया है कि वर्ड्स लेवल पे जो है हमने ये देखना है कि बच्चा जो है इनिशियल लेवल पे साउंड को जल्दी पिक कर रहा है या फाइनल पोजीशन पे जो है साउंड को जल्दी पिक करना है कर रहा है। तो ये देखा, ठीक है। अब बच्चे को जो है साउंड वर्ड लेवल पे हम लेके आए, तो वर्ड लेवल पे बच्चा जो है ना, अगर वो आगे बढ़ गया यानी कि उसने जो है वर्ड लेवल पे उसने लफ्ज़ों को सही तरह से प्रोनाउंस कर लिया, तो अब हम जाएंगे फ्रेज लेवल पे, यानी कि उससे जो है फ्रेजेस पे, यानी कि आप जुमला भी कह सकते हैं, सेंटेंस लेवल पे जाएं कि आप बच्चे को उस साउंड को सेंटेंस लेवल पे सिखाएं। अच्छा, अब सेंटेंस लेवल में भी आपने ये देखना है कि सेंटेंसेस भी आपने इस तरह बनाने हैं कि इनिशियल सेंटेंसेस हैं, मिडल लेवल के सेंटेंसेस हैं एंड देन फाइनल पोजिशन के सेंटेंसेस हैं। जब बच्चे ने इनिशियल या फाइनल पोजिशन के वर्ड्स को सीख लिया है तो हम उसको जुमलों में यानी कि सेंटेंस लेवल पे उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि वो जुमलों की अदायगी में भी इस साउंड्स को सही तरह से अदा करें। फिर अब उसके बाद जब सेंटेंस लेवल पे बच्चा आ जाता है, यानी कि जुमलों की अदायगी में आ जाता है, लेकिन इसमें भी बहुत टाइम लगता है, ये नहीं कि फौरन ही हो जाता है, यानी कि वर्ड लेवल पे आने में भी बच्चे को काफ़ी टाइम लगता है। बाज़ औक़ात क्या मोस्टली ये होता है कि बच्चा जो है क्लिनिक में यानी कि स्पीच थेरेपी में जहाँ जा रहा है प्रैक्टिस के लिए, वहाँ पे तो जो है जो साउंड एरर जो उसको प्रैक्टिस करवाई गई है वो वहाँ पे बहुत बेहतर अंदाज में जो है वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन करना सीख जाता है। लेकिन घर में जो कि अगर घर में पेरेंट अक्सर जो है उसकी करेक्शन नहीं कर पाते यानी उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तो अक्सर ये देखा गया है जो पेरेंट्स जो कंप्लेन करते हैं कि घर में ये वैसे ही फिर बोल रहा है, तो उसमें ये होगा कि मे बी जो पेरेंट्स होते हैं वो घर में बच्चे के साथ जो है वो प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। जो स्पीच थेरेपिस्ट का काम होता है कि वो पेरेंट्स को भी जो है ना वही तरीका बताए पेरेंट्स को जो बच्चे को क्लिनिक में आप ट्रेन करते हैं उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं, सेम इसी मेथड को जो है आप पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस करें, पेरेंट्स को ये तरीका जो है वो बताएं, पेरेंट्स भी ये सीखें, और उसी तरीके पे अगर पेरेंट्स भी इस तरीक़ों को लेके चलेंगे तो बच्चे में जो है साउंड एरर के जो एरर होते हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं यानी कि कम हो जाते हैं। तो जब हम जुमले की प्रैक्टिस करवाते हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो जुमलों में भी हमने यानी कि सेंटेंसेस में भी हमने ये देखना है कि बच्चे को हमने सेंटेंसेस में इनिशियल लेवल के सेंटेंसेस बना के देने हैं, फाइनल के देने हैं, मिडल के देने हैं। तो सेंटेंस लेवल पे जब बच्चा कवर कर लेता है यानी कि जुमलों में भी उसकी अगर सफाई आ जाती है तो देन जो हमारा जो लास्ट वो होता है स्टेज होता है वो होता है स्टोरी का। अच्छा, स्टोरी के लिए भी जो है आपने ऐसी स्टोरी डिज़ाइन करनी है जिसमें उसके जो टारगेट साउंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए, यानी कि आपने जो है ना आधा पैराग्राफ ले लें, आधे पैराग्राफ की एक स्टोरी बनाएं जिसमें शीन, जैसे अभी मैंने आपको शीन की प्रैक्टिस करना सिखाई कि बच्चे को जो है अगर शीन लफ्ज़ नहीं आ रहा था तो हमने उसको साउंड लेवल पर सिखाया, फिर सिलेबल लेवल पर सिखाया, फिर उसके बाद वर्ड लेवल पर सिखाया, तो अब हम जो है फिर सेंटेंस लेवल पे लेके आए, फिर जो हमारा जो दूसरा जो लास्ट वो है यानी कि उसको स्टोरी कन्वर्सेशन जो हमारा लास्ट होता है वो कन्वर्सेशन होता है, तो कन्वर्सेशन के लिए हमने कोई ऐसी स्टोरी जो है डिज़ाइन करनी है, ख़ुद से बनानी है जिसमें शीन का लफ्ज़ जो है ना बार बार आए, ठीक है। यानी कि उस पैराग्राफ जो आप स्टोरी बना रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा शीन का इस्तेमाल हो, जब आप वो स्टोरी सुना दें तो उससे रिलेटेड आप बच्चे से जो है क्वेश्चन करें, क्वेश्चन आपने इस तरह करना है कि बच्चे को वो शीन का लफ्ज़ बोलना पड़े, ठीक है। जैसे एक जंगल में एक शेर रहता था, ठीक है, और शेर के इतने बच्चे थे, आपने उससे पूछा कि जंगल में कौन रहता था, ठीक है, अब उसको लफ्ज़ बोलना है शेर रहता था। शीन से मुतालिक आपने बहुत सारे जो है वो कर दिया, एक शिकारी आया और उसने शेर का शिकार किया, अब मैं पूछूंगी कि शेर का शेर को किसने मारा, तो अब आप उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि शिकारी ने मारा, ठीक है। तो शीन लफ्ज़ आ रहा है,
तो इस तरह की स्टोरी आपने बनाना है जिसमें बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा शीन बोलने की अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। तो ये जो है तरीका है साउंड्स को इम्प्रूव करने का, कि आपने जो है साउंड से लेके और कन्वर्सेशन इन स्टोरी पे लेके आए हैं। तो आई होप कि आपको जो है मैंने जस्ट ब्रीफली बताया है, जो कि इसमें असेसमेंट में भी हमारा काफ़ी हद तक जो है टाइम लगता है, जो कि डेप्थ में जाके हम कर रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा जो है बच्चा कोऑपरेट नहीं करता या उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं देता, इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो असेसमेंट भी जो है एक दिन क्या दो दिन भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है बच्चे पे। इसी तरह थेरेपी जो है उसमें भी काफ़ी टाइम लग सकता है। अच्छे सेशन का जो वो है कि कितने नंबर ऑफ सेशन बच्चे के होना चाहिए, कि हफ्ते में उसको कितने विजिट करना चाहे, जैसे अक्सर पेरेंट्स ये सवाल करते हैं कि हमारा बच्चा कब तक जो है सही हो जाएगा। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये डिपेंड करता है कि उसके नंबर ऑफ एरर्स कितने हैं, प्लस जो है बच्चे का अपना इंटरेस्ट कितना है, वो कितना कोऑपरेट करता है, ठीक है। और मदर जो वो है, पेरेंट्स है, मदर एंड फादर है, वो बच्चे को कितना टाइम देते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें एक फाइनेंशियली भी है आ जाता है कि आप जो है कितना फाइनेंशियली मतलब सेशन जो है अफोर्ड कर सकते हैं, यानी जितना ज़्यादा आप फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, सेशन अफोर्ड करेंगे, उतना ही बच्चे में बेहतरी आएगी। ये भी एक फैक्टर है, ठीक है, लेकिन फिर भी डिपेंड करता है बच्चे के एबिलिटी पे और पेरेंट्स पे। तो ये सब जो है फिर उसके बाद डिसाइड होता है कि बच्चे को हफ्ते में कितने सेशन के लिए बुलाया जाए। हफ्ते में दो विज़िट काफ़ी है, थ्री विज़िट हैं, ये तीन सेशन काफ़ी है। ये भी नंबर ऑफ सेशन जब हम असेसमेंट करते हैं तो उस पर हमें डिसाइड करना होता है कि बच्चे को हफ्ते में कितने दिन जो है वो सेशन के लिए बुलाना है। अब जैसे ये बच्चा है, इसके सिर्फ दो साउंड एरर थे, तो मैं इसको हफ्ते में जो है वन अगर विजिट कर लेता है तो ये भी इसके लिए इनफ है, लेकिन अगर टू भी करता है तो ये भी अच्छा है कि जल्दी हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर हफ्ते में एक दिन भी आता है और पेरेंट्स के साथ काम करते हैं, पेरेंट्स भी अपनी एफर्ट रख रहे हैं, तो एक सेशन भी पेरेंट्स के लिए काफ़ी होता है, यानी कि हफ्ते में एक विजिट करना लाजमी है स्पीच थेरेपी का। तो ये था आज का हमारा कि हमने बच्चे में साउंड्स एरर को कैसे जो है कम करना है, हमने असेसमेंट का तरीका जो है उसको जो है वो डिफाइन किया है। तो अब अगर कोई सवालात है, क्वेश्चंस हैं, तो उसको हम देख लेते हैं कि क्या क्या सवालात हैं, तो उसको मैं फिर आपको रिप्लाई कर देती हूँ। अच्छा, ये आयशा कामरान है, इन्होंने लिखा है कि मेरा बेटा 7 ईयर का है बट वो वर्ड्स क को ता प्रोनाउंस करता है, ठीक है। यानी कि लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था उसमें मैंने ये एग्जांपल दी थी कि बच्चे जो ना काफ को मतलब ता करते हैं, जैसे केला को तेला बोलता है, और जो है दाल में भी करते हैं, दाल में भी प्रॉब्लम होता है, जैसे गाफ में गाफ को जो है वो सब्स्टिट्यूट करता है दा से, गाय को बोलेगा दाए, तो इसका मतलब है कि वो जो है तोतलापन कहलाता है ये, इसको फ्रंटिंग बोलते हैं। तो काफ वर्ड्स को जो है ता प्रोनाउन करता है, तो आपने ये करना है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप पहले टंग की मूवमेंट वगैरह चेक करें कि वो टंग की मूवमेंट जो है ना उसकी बेहतर है या नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बेहतर ये है कि आपको मैं एक प्रैक्टिस बता रही हूँ कि आप जो है इसका प्रैक्टिस करें। एक मिनट, मैं ज़रा टंग डिप्रेसर देख लूँ। अच्छा, का की प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है कि आप देखिए ये टंग डिप्रेसर है, बच्चे जो कि जो है वो का जो है बैक ऑफ द साउंड है, यानी कि पीछे से आवाज़ निकलती का, ठीक है, पीछे से आवाज़ का की निकलती का, और बच्चा बोलता है ता, यानी कि वो अपनी ज़बान को दांतों के दरमियान लेके आता है, ता करता है। तो बेहतर ये कि आप क्या करें, इसकी ज़बान को प्रेस कर दें, क्या क्या क्या, जब आप इसकी ज़बान को प्रेस करेंगी तो पीछे से जो है ना बच्चा आवाज़ निकालेगा, उसको ये समझ में आ जाएगी कि ये आवाज़ जो है पीछे से निकाली जाती है। तो आप ये जो है टंग डिप्रेसर लें या स्पून ले लें, ठीक है, उसके जो है ना आगे की टंग को जो है प्रेस करके इसकी प्रैक्टिस करवाएं।
इसको प्रेस करके और इससे वो आवाज़ निकलाए, ये बार बार ये प्रैक्टिस करवाएं। और जो तरीका मैंने आपको बताया है कि आप जो जब बच्चा जो है इसकी समझ आ जाएगी, यानी कि उसको ये तरीका पता चल जाएगा कि कार की आवाज़ जो है पीछे से निकलती है आगे से नहीं, तो फिर उसके बाद जो आप साउंड पे लेके आइएगा। डायरेक्टली साउंड पे काम नहीं करिएगा, डायरेक्टली आपने साउंड पे काम नहीं करना है, सिर्फ जो है बच्चे को प्लेसमेंट बताना है, यानी कि बच्चे को सिर्फ ये सिखाना है कि आपने आवाज़ कहाँ से मतलब कहाँ से जो है दबा के रखना है। ठीक है, पहले दबा के रखें ज़बान को और उसको ये बताएं कि ये ज़बान जो है ऊपर नहीं उठेगी। ठीक है, मतलब सॉरी, ये ज़बान जो है दांतों में नहीं दबेगी। जैसे बोलते ता ता, तो वो का को बोल रहा है ता, तो ज़बान को आप प्रेस करें और उसको बताएं कि ज़बान को दबाना नहीं है, आपने पीछे से आवाज़ निकालो। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस आप बार बार करवाएं, मिरर के सामने करवाएं, उसका मुंह खोलें और उसको जो है वो बताएं, उसको समझाएं कि आप आगे से बोलते हो ये ज़बान है, ये टंग है, आप आगे से बोलते हो, आगे से नहीं बोलना है, आपने पीछे से बोलना है, पीछे से आवाज़ निकालनी है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आप बार बार करवाएं। जब बच्चे को जो है साउंड निकालना आ जाएगा का, तो फिर उसको सिलेबल्स में, जैसे मैंने आपको बताया कि सिलेबल्स में लेके आए, फिर उसके बाद जो है वर्ल्ड लेवल पे लेके आए, फिर उसके बाद सेंटेंस लेवल पे लेके आए, और देन जो है उसको स्टोरी या कन्वर्सेशन लेवल पे लेके आए। ठीक है, इसी तरह से अगर वो काफ नहीं बोलता तो आप ये चेक करें कि गाफ भी नहीं बोलेगा, इसलिए काफ और गाफ सेम एक ही जगह से निकलते हैं, बैक ऑफ द टंग से। तो ये दोनों साउंड जो है, जब बच्चा काफ को जो है सही तरह प्रोनाउंस करना शुरू कर दे, तो उसके गाव की यानी गाव की भी प्रैक्टिस जो है आप इसी तरह से करवाएं। ठीक है, मेरी सिस्टर, ये कौन है, जरीन, जरीन फारूकी, मेरी सिस्टर का बेटा सिर्फ इंग्लिश बोलता है, अब भी सिर्फ 3 इयर्स का है, मोबाइल वीडियो देखकर इंग्लिश सीख गया है, उर्दू नहीं बोलता, उर्दू को नहीं बोलता, उसकी मॉम जॉब करती हैं, बच्चे मोबाइल वीडियो देखते हैं। देखिए, समझ में नहीं आया कि आप बोलेगा मॉर्निंग में अपनी नानी के पास, क्या नाम है, जरीन, मुझे आपका ये सवाल समझ में नहीं आया। देखिए, आप जो है मुझे साउंड एरर के लिहाज से आप अपना क्वेश्चन भेजें। जैसे अभी इन्होंने जो आयशा थी, इन्होंने अपना वो बताया कि वो काफ सही तरह प्रोनाउंस नहीं करता, अगर उसको कोई साउंड एरर आप बताना चाह रही हैं तो पहले मुझे वो साउंड एरर बताएं कि वो किस तरह का साउंड एरर जो है वो प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, देन जो है मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह उसकी प्रैक्टिस करवानी है। ठीक है, डॉक्टर उज़्मा, थैंक यू सो मच डॉक्टर उज़्मा। बिनेश, थैंक यू बिनेश। यासिर अरफात है, ये हैं, क्या ऐसे बच्चे एज के साथ ठीक हो जाते हैं? देखिए यासिर, मैंने आपको बताया है कि हर साउंड की अपनी एक एज होती है। ठीक है, सबसे पहले बच्चा जो है ना मम्मा बब्बा बाबा, बब्बा की आवाज़ निकालता है, बब्बा बब्बा मम्मा मम्मा, ठीक है, ये आवाज़ें निकालता है, फिर इससे मुतल्लिक जो है वो लफ्ज़ बोलना शुरू करता है, जैसे बाबा मामा, ठीक है, ये लफ्ज़ वो करता है। तो ये क्या है, ये आपका स्टार्टिंग वाले, यानी कि जैसे बच्चा बोलना शुरू करता है तो ये लफ्ज़ सबसे पहले बोलता है। अगर बच्चा एज के मुताबिक जो है वो उसकी वोकैबुलरी डेवलप नहीं हो रही है, उसकी जो है साउंड की क्लैरिटी जो है वो डेवलप नहीं हो रही, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 साल में भी बच्चा जो है 70% आराम से सफाई के साथ बोल लेता है, 5 साल में भी आराम से जो है ना बिल्कुल परफेक्ट वे में बोल लेता है, बहुत ही माइनर से एरर होते हैं, लेकिन अगर वो एज अप्रोप्रिएट उसके स्पीच नहीं है तो इट्स मीन के आगे चल के भी जो है उसका ये एरर रहेगा। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप जो है स्पीच थेरेपिस्ट से जो है ना उनका चेकअप करवा लें, ताकि वो उसका डिटेल में जो है असेसमेंट करें कि कोई चांस तो नहीं है ऐसा मसल्स वीकनेसेस का, या कोई ऐसा रॉन्ग वे में वो अपने आर्टिकुलेटर का इस्तेमाल करने का। जैसे अभी मैंने आपको सारा तरीका बताया कि ये सारा चेकअप के लिए ज़रूरी है कि आप जो है स्पीच थेरेपी की एक वो ओपिनियन ले लें आप। देखिए, डिसऑर्डर वो होता है जब एज बच्चे की गुजर जाती है, वो टाइम जो है पीरियड गुजर जाता है, जो डेवलपमेंट का जो पीरियड होता है
अगर वो गुजर गया और उसके बावजूद में भी बच्चे में भी जो है चाहे वो स्पीच हो चाहे वो वोकैबलरी डेवलप नहीं हुई तो वो डिसऑर्डर ही कहलाता है। लेकिन डिसऑर्डर जो है यानी कि एज अप्रोप्रिएट अगर बच्चा नहीं कर रहा कोई काम ठीक है स्पीच के हवाले से, तो जैसे आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो ये जब एज क्रॉस हो जाता है तो डिसऑर्डर तब आते हैं। और हमें कब तक वेट करना चाहिए कि वो ठीक से बोल पाए, 7 साल तक या 4 साल तक? देखिए साउंड्स का मैंने आपको बताया था, अगर आप मेरे पहले वाली वीडियो पे जाएं तो उसके मैंने साउंड्स आपको बताए थे कि 2 साल में ये साउंड्स बोल लेना चाहिए, 3 साउंड में ये साउंड बोल लेना चाहिए, 4 साल में ये बोल लेना चाहिए। तो ये पूरे जो है मैंने आपको ये सारे नॉर्म्स बताए हैं पिछले वाले वीडियो पे, इसी पेज पे आप चले जाएं तो मेरे जो लास्ट वाली वीडियो है वो देखें, उसमें एजेस दिए हुए हैं कि अगर बच्चा जो है 4 साल के इस एज में ये नहीं बोलता, ये साउंड की एज गुजर गई है, तो देन जो है आपको स्पीच थेरेपी करवानी पड़ेगी। अगर आप इंतज़ार करते रहेंगे तो बच्चे की जो जो गोल्डन टाइम होता है यानी गोल्डन पीरियड जो होता है वो तो गुजर जाता है। मरियम मुबशिर, मरियम थैंक यू सो मच मरियम, आई एम फाइन। मरियम ठीक है मरियम, मोइस खान है, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सना। सैयद शाहजहां थैंक यू, सुब सादिया इफ्तिखार, अच्छा ये सना हमीद है, मेरा बेटा लाउड नहीं बोलता और माउथ पूरा नहीं ओपन करता, जब बोलता है इसी से वर्ड्स क्लियर नहीं होते। देखें ये सना आपको जो आपने ये सारा प्रोसीजर देख लिया, जैसे मैं अभी बच्चे का करवा रही थी कि उसने मुंह खोला, ज़बान निकाली ठीक है, ब्लोइंग की, आप देखें मुंह अगर उसका हल्का सा खुल रहा है तो आपको डेफिनेटली मुंह खोलने की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करवाना है। उसकी प्रैक्टिस आपने किस तरह करवाना है कि आपने बच्चे को जो है नीचे जॉ से पकड़ के यानी कि चिन से पकड़ के आपने जो है पकड़ना है, बच्चे बोले मुंह को ज़्यादा खोलो, ये प्रैक्टिस आपने करवाना है। उसका ये मसाज करवाए, पहले तो ये देखें कि उसमें मसल्स का प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं आ रहा ठीक है, या तो वो वैसे जो है मुंह नहीं खोल रहा है या वाकई उसका जो है कोई मसल्स का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसके लिए फिर आपको चेकअप करवाना पड़ेगा, स्पीच थेरेपिस्ट के पास जो है आपको जाना पड़ेगा, उसकी असेसमेंट करवानी पड़ेगी। अगर उनको लगता है कि हाँ इसमें कोई आर्टिकुलेशन का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो डेफिनेटली फिर आपने स्पीच थेरेपी की क्लासेस भी दिलवानी है। वालेकुम अस्सलाम ज़ारा, महराज खान मैम यू आर आर यानी कि रे आर बोलने का मसला ही, तो कोई ट्रीटमेंट बता सकती है? पहले तो मुझे ये बताइए कि किसका मसला है, बच्चा कितने साल का है, आप एज भी साथ साथ मुझे अगर बता दें तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि जो रा की साउंड है, बच्चा अगर छोटा है तो और उसकी सही तरह से अभी वो साउंड की डेवलपमेंट नहीं हुई तो प्रैक्टिस करवाएं, लेकिन अगर उसकी एज गुजर गई है रे की रा बोलने की तो उसके लिए फिर वही कि डेप में करवाएं कि उसका वो मसल्स का प्रॉब्लम नहीं आ रहा। अगर आप मुझे ये बता दें कि जैसे अभी मैंने आपको ओरल मोटर की एग्जामिनेशन बताई है कि बच्चे के ये मसल्स अगर उसकी नॉर्मल वे में फंक्शनिंग कर रहे हैं और सिर्फ जो है ना फोनोलॉजी में प्रॉब्लम आ रहा है, फोनेम में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसका तरीका मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे नंबर ऑफ जो वर्ड्स हैं वो आप जो ना उसकी प्रैक्टिस करवाएं साउंड लेवल पे, सिलेबल लेवल पे, सेंटेंस लेवल पे, और देन जो है स्टोरी लेवल पे आप उसकी प्रैक्टिस करवाएं। जितना ज़्यादा आप इन साउंड की प्रैक्टिस करवाएंगे उतना ही बच्चे की जो है वो प्रोडक्शन जो है क्लियर हो जाएगी।
नौमान, ठीक है, ओके, और कौन है? ठीक है, तो ये आज के जो क्वेश्चंस थे इससे आंसर जो है इतने ही थे। मेराज 20 साल है, रा साउंड की आप बात कर रहे थे, मेराज, मेरा ख्याल मेराज है रा साउंड का, यस। अच्छा 20 साल का है, तो आप अपनी अगर बात कर रहे हैं मेराज, तो आप पहले ये देखें कि आप, मेरा ख्याल में आपके आर्टिकुलेटर में कोई मसला तो नहीं है, जबान आपकी जो ऊपर उठ रही है, जबान को ऊपर उठाएं और इसमें जो है ना थोड़ा सा वो डाले, वाइब्रेशन पैदा करें, थोड़ा सा वाइब्रेशन पैदा करें, अपने जबान को ऊपर लेके जाएं और वाइब्रेशन पैदा करें, जैसे स्कूटर या रिक्शा स्टार्ट, वो स्कूटर स्टार्ट होता है, इस तरह की आवाज सिर्फ निकालें, इसकी प्रैक्टिस करें, जबान आपकी ऊपर होनी चाहिए और एक साइड से आपका जो ना ब्रीथ जो है वो रिलीज होना चाहिए, दोनों साइडों से ब्रीथ रिलीज नहीं होगा, सिर्फ वन साइड से होगा, ठीक है। और वन साइड मेरा क्या है, मेरा राइट साइड है, ये करवाएं, और फिर जब आप ये साउंड सही तरह से निकालना शुरू कर जाएंगे, ठीक है, आप ठीक है, साउंड्स का मसला है, ये साउंड की प्रैक्टिस ही मैं आपको बता रही हूँ कि आपने जो है इसी तरह की जो राग की प्रैक्टिस है, आपने इस तरह देखें ये फिंगर रखें और इसको जबान को आपने ऊपर लगाना है, प्रेशर ज्यादा ज्यादा दे जिससे वाइब्रेशन पैदा हो, जब ये साउंड आप निकालना शुरू हो जाएंगे तो फिर उसको सिलेबस पे लेके आए, वही जो तरीका मैंने आपको बताया उसको वर्ड्स पे लेके आए, बहुत सारे अल्फाज जो है ना रे के आप बना लें, आर के जो बना लें, ठीक है, अर साउंड के जो है ना वो बना लें और उसकी ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करवाएं, ठीक है। तो आज का हमारा सेशन जो है, जो हमने इस साउंड एरर पे दो सेशन हमने कंडक्ट किए, पहला सेशन जो था वो हमने फोनोलॉजी और आर्टिकुलेशन को डिफाइन किया था कि इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, उसकी डेवलपमेंट के बारे में भी जो डिस्कस किया था कि किस एज में जो है ना ये साउंड डेवलपमेंट होते हैं, टाइप्स भी बता दी, टाइप्स को भी हमने डिस्कस किया। तो उसके बाद जो है हमने असेसमेंट के, असेसमेंट हमने कैसे करनी है इन साउंड्स की, वो भी डिस्कस हो गया। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत जो है समझ में आ गया होगा, और प्रैक्टिस जो है अगर सिर्फ साउंड्स की है तो साउंड्स के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को प्रैक्टिस करवाएं, किसी में कोई एरर है साउंड्स का तो आप नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो बनाएं, उसकी एक लिस्ट बना लें और उसको जो है दिन में कई दफ़ा जो है ना उसकी प्रोनाउंसिएशन करें। बल्कि अगर आप घर में खुद कोई, जैसे मिराज है, आप जो है ना वीडियोज़ यूट्यूब पर काफ़ी अवेलेबल है, अगर आप रा लिख के और उस पर यूट्यूब पर जाके वो करेंगे, उसमें आपको तरीका भी बताएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएं रा की, अगर आपके आर्टिकुलेटर का मसला नहीं है, यानी कि उसकी फंक्शनिंग नॉर्मल है, तो प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्रोडक्शन जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी क्लैरिटी जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला फिर जो है ईद के बाद इंशाल्लाह मैं अपने सेशन जो है नेक्स्ट जो रखूँगी ईद के बाद रखूँगी, तो जो टॉपिक होगा वो आपको हम शेयर कर देंगे ICP के पेज पर। तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, माई सन इज 22 मंथ्स ओल्ड एंड ही डजंट स्पीक एक्सेप्ट मामा एंड बाबा, 22 मंथ्स का है ना, तो ठीक है मामा और बाबा बोल रहे तो ये सही है, इतना ज़्यादा वो नहीं है, अपने एज से पीछे नहीं है, लेकिन आप जो है जो मेरी पहले वीडियो है वोकेबलरी बूस्टिंग पे मेरी पहली वीडियो है, इसी पेज पे आप जाएं, और अगर आपको लगता है कि अपने एज के मुताबिक उसकी वो वोकेबलरी जो है वो डेवलप नहीं हो पा रही, तो आप पहली वाली वीडियो मेरी देख लें वोकेबलरी बूस्टिंग वाला, और उसमें मैंने कुछ टिप्स दिए हैं, बच्चे के साथ कुछ एक्टिविटीज़ के हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसके साथ बोलें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बोलें, उसके आई कॉन्टेक्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, आप अपने फैशियल एक्सप्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा दें, और जो जो उसके रूटीन की चीज़ें हैं, खाना, ड्रेसिंग है, ईटिंग है, स्लीपिंग है, ये इसमें जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसका नाम उसके सामने ज़्यादा से ज़्यादा वो करें, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा इमिटेशन की तरफ मतलब लेके आएं। लेकिन अभी जो उनकी एज इसकी कम है तो डायरेक्टली आप अभी स्पीच पे आप काम नहीं कर सकती, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रिसेप्टिव वोकैबुलरी यानी कि कॉम्प्रिहेंशन पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें, और साउंड्स की, सिलेबल्स की, छोटे छोटे अल्फाज जो है बोलने की उसको प्रैक्टिस करवाएं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला ईद के बाद आप लोगों से मुलाकात होगी और फिर हम नए टॉपिक के साथ आएंगे, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।